भाई कुछ अटेंशन तो दो मेरे ब्लॉग में, भाव तो दो। गाना चेंज कर यार, पिछली वीडियो में भी यही था। A very good morning everyone, how you all, welcome back to my channel, this is Jamil Tushar Breja। कैसे हैं आप सब? अब इतने टाइम बाद लड़का आया है तो कुछ तो ढंग ही लेके आया होगा। In this video, I'll tell you why did I quit daily vlogging. So generally, I have two type of days. First is when I get up early, करीबन 8:30 बजे, and उठ के I go to college. वैसे होना दूसरा चाहिए क्योंकि लड़का कम college जाता है, पर कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक ठीक लगा लो। तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर के नहाने के बाद मेरे इस कान में पानी घुसा है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ निकालने की पर निकल नहीं रहा है, तो अभी चलते हैं कॉलेज, रास्ते में निकालते हैं, पूरी कोशिश रखते हैं अपनी। ओह मैं ही आया हूँ बस। धीरे धीरे और भी लोग आ गए। ओए कोई ट्रिक बता जिससे कान से पानी बाहर आ जाए। उल्टा लटक जाए अपने आप आ जाएगा। पता नहीं क्या देख रहा है। Not hey. Show me the ring and I'm bright. क्लासेस तो कैंसिल हो गई है, तो अब हम थोड़ी देर बैठे थे, बातें बातें करी, कॉफी पियेंगे, घर निकलेंगे, भाई सोएगा फिर जाएगा जिम। इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी गाइड देख लो तुम, मैंने बनाई थी ना गाइड टू मनाली। वाह। अब कॉलेज से आके लड़का तैयार होता है और लड़का जिम भी जाता है भाई। ये कपड़े कितने अनोइंग लगते हैं पीछे लटके हुए। मेरे घर में तो ऐसे ही होते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी किधर कभी अलमारी में। ये सब छोड़ो, जिम चलते हैं। लोग जिम से पहले कार्ब्स खा के जाते हैं, लड़के ने आपके पोटैटो बाइट्स खाए और हाँ टिक्की का भी एक पीस लिया था। अब एक दूसरा दिन होता है जिसमें मैं बाहर घूमने जाता हूँ, अकेले नहीं दोस्तों के साथ। आज हम लोग आए लड़कियों के कॉलेज में, गार्गी कॉलेज। भाई कुछ अटेंशन तो दो मेरे ब्लॉग में, भाव तो दो। गार्गी कॉलेज आए और पीछे कॉपीराइट लग जाएगा, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इसके सिनेमैटिक जरूरी है भाई, पैसे तो पूरे हुए। कैसा लगा ये? हेलो, कैसा टेस्ट है ये तो बता। सो गार्गी कॉलेज आने के हमारे दो रीजंस हैं। एक, हमारे को कोई घूमने का स्पॉट नहीं मिल रहा था। दूसरा रीजन क्या है? फेस्ट देखना है। तो अभी हम बस यहीं पे घूम रहे हैं और एम्बेरसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि अपने जितने एज के इतने सारे लोग हैं भाई, से व्लॉगिंग कम हो रही है, फिर भी हम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू इट। ट्राइपॉड हाथ में ले रखा है, देख रहे हैं लोग मुड़ मुड़ के, क्या हो गया व्लॉगर है भाई। फिर वही घर आओ जिम जाओ। और एक तीसरा दिन भी होता है जिस दिन मैं कुछ भी नहीं करता। 12 बजे उठता हूँ, आलस से मेरा दिन शुरू होता है, ब्रंच करता हूँ, फिर कुछ नहीं करता, पता नहीं क्या करता हूँ, बट वो दिन कुछ होता नहीं है, बिल्कुल बकवास दिन होता है वो मेरा। अब आप ही बताओ क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है मेरे पूरे दिन में? नहीं ना। बट तूने तो अपने डेली व्लॉगिंग के टाइम पे बोला था कि आई मेक अ वीडियो एवरी सिंगल डे। तो देखो भाई, माना डेली व्लॉगिंग पुश मी टू वर्क हार्ड, पुश मी टू क्रिएट मोर कॉन्टेंट, बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग मी टू डू वॉट आई वॉन्टेड। जो चीज नेसेसरी थी वो नहीं हो रही थी, एंड उसका रीजन है टाइम। टाइम इज ओनली थिंग जो मेरे से नहीं हुआ मैनेज। टाइम लड़के पे इतना कम होता था कि उसको नई चीजें सीखने का टाइम ही नहीं मिलता था। वाह वाह क्या बोलिया। आई कैन क्रिएट दीज टाइप ऑफ वीडियोस एवरी सिंगल डे, बट इसमें फील नहीं आती यार। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ या फिर मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है मानो उससे मेरी ब्लॉगिंग इंप्रूव हो रही थी, कंटेंट आ रहा था, बट दीज थिंग्स बैठ जाता हूँ, दीज थिंग्स वर नॉट सेटिस्फाइंग मी इनफ एंड आई वॉन्टेड टू ग्रो माई सेल्फ। सो उसके लिए क्या करें? आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक स्टोरी टेलिंग, फाइंड रेलिवेंट सॉन्ग्स टू माई वीडियोज, अच्छे थंबनेल बनाना, और क्या था
टाइपोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ये सब के ट्यूटोरियल्स देखना, इनको सीखना, इनकी बुक्स पढ़ना, आपसे शुरू कर दूंगा, पढ़ता तो नहीं हूँ। फाइंड ग्रेट स्टोरीज, क्योंकि एक अच्छा व्लॉग बिना स्टोरी के अच्छा नहीं होता। अब ये सब नई चीज़ें सीखने के लिए आई नीड टाइम। अब ये मतलब नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं खाली हूँ, मेरे पास बहुत मतलब हूँ मैं खाली, मेरे पास बहुत काम नहीं है करने को। बट इट्स ऑलवेज इन माई हेड कि व्लॉग बनाना है, दोस्तों के साथ बाहर गया हूँ तो व्लॉग बनाना है, अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा, फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ तो व्लॉग बनाना है, हमेशा मेरे दिमाग में व्लॉग व्लॉग व्लॉग, अब क्या बोलना है, अब क्या अच्छा लगेगा कि नहीं, कुछ रेलिवेंट बोलूँ, ये वो सब चलता रहता था भाई के दिमाग में, जिसकी वजह से मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता था। सही है, कैमरा स्विच मारूं या यहीं ऐसे एक ही जगह पे खड़े होकर बोलूं, एक जगह पे खड़े होकर बोलूंगा तो बोर हो जाओगे। अब कुछ 3-4 दिन से मैं फ्री हुआ हूं तो मेरे सिर से बोझ हटा है व्लॉगिंग का, लिटरली मेरे लिए बोझ बन चुका था कि मैं सुबह उठता हूँ यार आज भी व्लॉग बनाना पड़ेगा, यार अब क्या बोलूँ मैं जो अच्छा लगेगा कैमरे पे, मेरे लिए बोझ बन चुका था शाम को रात को घर पे आके एडिटिंग करके सोना, मुझे फील नहीं आ रही थी वीडियोस बनाने में, शौक कम हो रहा था, एंड आई थॉट ऑफ क्विटिंग यूट्यूब कम्प्लीटली, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, शौक है, आई लव व्लॉगिंग, तो उसके लिए आई गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट। अब शौक को बरकरार रखने के लिए वीडियोस बनाऊंगा कम, कितनी कम, शायद हफ्ते में 2 या हफ्ते में 1 या फिर डेली, जब जब मुझे फील आएगी बनाने में, जब जब मुझे मजा आएगा वीडियो बनाने में, तब तब लड़का वीडियो बनाएगा। माना आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मेकिंग 30 वीडियोस इन 30 डेज, बट लड़के ने बनाई 17 वीडियो इन 30 डेज, विच इज स्टिल बेटर देन मेकिंग 10 वीडियोस इन 6 मंथ्स। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तो समझ गया हूँ मैं कहाँ गलत था, एंड आई विल श्योरली वर्क अपॉन माई सेल्फ। चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कब, शायद कल या परसों या उसके अगले दिन, पता नहीं कब, बट एक अच्छी वीडियो के साथ जरूर, आपका भाई विल बी बैक, क्योंकि शौक बड़ी चीज है यार, ये मैं टूटने नहीं देना चाह सकता, एंड नेवर वॉन्ट टू एंड दिस यूट्यूब स्टाफ, तो इसीलिए आई हैड टू टेक द डिसीजन। आई होप यू लाइक द वीडियो, इतनी सी भी अच्छी लगी लाइक कर देना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। भाई वीडियो खत्म हो गई, अब भी लड़ रहे हैं।